हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आई एम नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट की सिलेबस 2022। जैसा कि आपको पता ही है, अब 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो चुका है, सभी स्कूल खुल चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश बुक की सिलेबस देख लेते हैं। बुक के माध्यम से सबसे पहले बच्चों को चैप्टर रीडिंग करवाई जाती है, उसके साथ ही रीडिंग के द्वारा इनमें लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर किए जाते हैं, साथ ही उन्हें सॉरी स्पीकिंग स्किल पर फोकस किया जाता है। इस बुक के माध्यम से उन्हें विजुअलाइजेशन करवाया जाता है, पिक्चर्स स्केच के द्वारा उन्हें विजुअलाइजेशन कराया जाता है, टॉपिक वाइज वो जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें इस प्रकार स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है कि बच्चे अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कर पाए, या पिक्चर के माध्यम से उन्हें बताया जाता है ताकि वो अच्छे से इसको सीख पाए। तो इसका आप एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 के हैप्पी चाइल्ड। इस प्रकार इनमें ये पिक्चर्स बने रहते हैं जिसके द्वारा बच्चों को विजुअलाइजेशन कराया जाता है। फिर न्यू वर्ड्स हैं, इन्हें बताया जाता है। फिर लेट्स रेड, रेड पर फोकस किया जाता है कि बच्चे सेंटेंस को रेड कर सके। फिर इस प्रकार देखिए, पिक्चर के द्वारा बच्चों को विजुअलाइजेशन करवाया जाता है कि दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल, और इसके द्वारा उन्हें लाइन से ड्रॉ करके मैच करवाना दिखाया जाता है, जिससे बच्चे पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ सकें कि बॉय कौन है, गर्ल्स कौन है। इसी प्रकार जो चैप्टर्स हैं उनसे फिल इन द ब्लैंक्स करवाए जाते हैं। फिर ये ट्री है, ट्री को देखकर बच्चे विजुअलाइजेशन कर पाते हैं कि उनके घर के आसपास, जैसे फॉर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनके घर के पास किस प्रकार का ट्री रहता है। फिर नेक्स्ट ये देखिए, इसी चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के हाउस बने हुए हैं, इस पिक्चर्स को देखकर बच्चे विजुअलाइजेशन कर पाते हैं और फिर इन्हें बता पाते हैं कि कौन से घर किस प्रकार के घर होते हैं, और फिर उनमें से एक को इन्हें सर्कल करना पड़ता है। तो इस तरह इन्हें ड्रॉ पिक्चर्स एंड कलर्स के द्वारा इन्हें एटमॉस्फेयर में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट हो सके और उन्हें एजुकेशन जो है ज़्यादा देर बैठना जो है बोर यत नहीं लगे। इसी प्रकार जो है देखिए, इस प्रकार के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। एक हाँ, ये देखिए, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द हाउस टू पीपल हु लिव इन योर होम। अब इस प्रकार के पिक्चर्स दिए गए हैं, इस प्रकार इन्हें ड्रॉ लाइन करके बताना है कि उनके घर में कौन कौन से रहते हैं। इस तरह इन्हें इंटरेस्टिंग इनके चैप्टर्स को किया जाता है, और इसी प्रकार के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो है, जो हार्ड वर्ड होते हैं उन पर फोकस किया जाता है, उन्हें लर्न करना सिखाया जाता है और साथ ही रीड करना बताया जाता है, जिससे बच्चे जो है हार्ड हार्ड वर्ड को याद करके ईजी वे में क्वेश्चंस को रीड कर सके। क्योंकि नेक्स्ट क्या होता है स्टेप, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करवाया जाता है, आंसर इन वन वर्ड करवाए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चंस के वन वर्ड में आंसर देने होते हैं, और फिर आंसर द फॉलोइंग भी इस क्लास में आते आते उन्हें कराया जाता है, जो वन सेंटेंस या मोर देन वन एंड हाफ सेंटेंस के होते हैं। ये 10 यूनिट्स हैं जो हमने लिखे हैं, NCERT सीबीएसई बुक के सिलेबस हैं, ये चैप्टर हैं इनके, इस आधार पर इन्हें पढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इन्हें इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले ग्रामर के द्वारा इन्हें क्या होता है, बेसिकली ग्रामर की नॉलेज दी जाती है, अल्फाबेट एंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर कैसे लिखा जाता है वो बताया जाता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हम कहाँ लिखेंगे, साथ ही उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि किसी भी सेंटेंस को हम स्टार्ट कैपिटल लेटर से करते हैं। फिर उन्हें यह बताया जाता है कि वोवेल क्या होते हैं, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, ये सारे जो है बेसिक जानकारी इन्हें इंग्लिश ग्रामर में दी जाती है। लेटर एंड साउंड ऑलरेडी वो पहले से पढ़ चुके होते हैं, फिर भी इस क्लास में उन्हें रिविजन करवाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेमिंग वर्ड्स, जिसे कि हम नाउंस भी कहते हैं। क्लास फर्स्ट में 2 नाउन के बारे में बताया जाता है, कॉमन नाउन एंड प्रोपर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स कॉमन नाउन हो गया और मधु प्रोपर नाउन हो गया। उसी प्रकार मोर नेमिंग वर्ड्स में आ जाता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सिंगुलर एंड प्लूरल। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में जैसे बॉयज गर्ल्स, सिंगुलर प्लूरल हो गए बॉय बॉयज,
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोनाउन, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, एसेट्रा। इन सब की बेसिक नॉलेज उन्हें इस क्लास में दी जाती है कि इस वर्ड का सेंटेंस में इन्हें कहाँ पर यूज करना है, और सेंटेंस के द्वारा इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन, इसमें शॉर्ट स्टोरी बताए जाते हैं बच्चों को, और शॉर्ट स्टोरी के द्वारा उस स्टोरी से ही क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स छोटे छोटे करवाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है दिस एंड दैट, सिंगुलर प्रोनाउन, दीज एंड दोज प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, जिनकी बेसिक जानकारी उन्हें दी जाती है और सेंटेंस के माध्यम से उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसी प्रकार सेवन हो जाता है ए एन और द आर्टिकल, या आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से करवाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है प्रीपोजिशन, जिसमें पोजिशन एंड टाइम के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये जो है ऑन पोजिशन बताया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये पोजिशन प्रीपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट डूइंग वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब के बारे में उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, वज और वर्ब की बेसिक जानकारी दी जाती है, इज एम आर की बेसिक जानकारी सेंटेंस के द्वारा और फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा बताया जाता है। फिर अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं इस क्लास में, फॉर एग्जाम्पल डर्टी, क्लीन, डार्क, लाइट, हैवी, लाइट। तो इस प्रकार जो है ये पूरा इंग्लिश का आपका क्लास फर्स्ट के लिए सिलेबस हो जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और आप अभी से ही अपने बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साथ ही मैं सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस सीट भी लेकर आऊँगी, जो कि घर पर बैठकर उसे प्रैक्टिस करवाने में आपको मदद मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।